नमस्कार आप सभी को। आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर को राजस्थान में जो है परीक्षा आयोजित हो रही है। काफ़ी सारे छायांश के स्टूडेंट भी रीट देने गए हैं राजस्थान, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले एक खबर आई है कि पेपर लीक हो गया है रीट का। तो रीट का पेपर लीक हो गया है, कहाँ पर हुआ है? तो अलवर राजस्थान का एक जिला है, मांडन गाँव में एक कॉलेज है, कमला देवी कॉलेज, वहाँ पर पेपर लीक होने की संभावना है। 30,000 पदों पर भर्ती निकाली है राजस्थान सरकार ने और कुल 16 लाख लोग आज इस परीक्षा में शामिल होने गए हैं। तो निश्चित रूप से गड़बड़ी की संभावना लगातार बनी है। तो उसमें अब जो है कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आगे क्या होगा। तो आगे ये हो सकता है कि या तो हो सकता है परीक्षा निरस्त हो, यदि ज़्यादा केसेस मिलते हैं तो पूरी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी, अथवा अगर यहीं बस अब केवल प्रॉब्लम आई है तो निश्चित रूप से इस वाले सेंटर की परीक्षा दोबारा होगी और जिन्होंने ये गलती की है तो उनको अब इसकी सजा मिलेगी। पूरी खबर देखिए, क्या है ये पूरी खबर। कमरुद्दीन, मैं बताना चाहूंगा, यह जो मामला था, अभी तक जो हमारे पास पहली रिपोर्ट आ रही थी कि पेपर लेट पहुंचा, करीब 10:30 बजे सेंटर पे पहुंचा था, यह तो एक पहली गड़बड़ी सामने आई थी। तभी से यहाँ जो परिजन बाहर खड़े थे उन्हें अंदेशा हो गया था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की संभावना है। उसके बाद लगातार जो रिपोर्ट हमारे पास सामने आती रही, अब जो अंतिम रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो चुका है, वहां पर लोग पेपर को लेकर के बाहर निकले हुए हैं और मोबाइल नेटवर्क भी वहां चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यह गांव जो है हरियाणा सीमा से लगता हुआ है, नेटवर्क जो बंद थे अपने राजस्थान सीमा के बंद थे, लेकिन हरियाणा की वजह से वहां नेटवर्क भी चल रहे थे और लोगों के मोबाइल भी वहां प्रॉपर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके हाथों में पेपर देखा गया है और परिजनों का आक्रोश यह भी कि अगर चीटिंग चल रही थी और इस तरह की अनैतिक गतिविधियां पेपर को लेकर के आरोप